मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए हैं, तो घर पर रहिए और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए, ठीक है? तो स्टूडेंट, आज हम कर जाते हैं अपनी क्लास में, करते हैं अपना हमारा जो आज का चैप्टर हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न माउंटेन में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये हमारा माउंटेन है, ऐसे कर्व शेप में है, ये कर्व शेप है, इसमें ऐसे हमारा माउंटेन, यहाँ कश्मीर से लेकर, मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो माउंटेन है ये क्या हमारा माउंटेन, ठीक है, नॉर्थर्न माउंटेन है ये। तो हमने इसको ऐसे ईस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में हमने इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो किससे बना है, मेकओवर द केटू, ग्रेट हिमालय और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इसके पहले हमने इसको ऐसे में, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्या, द नॉर्दर्न माउंटेन का। फिर हमने ऐसे पढ़ा, K2 पढ़ा था, K2 हमारा क्या है, ये वो इंडिया की, वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की हाईएस्ट पीक है, ओके। फिर हमने आगे गए, ये फर्स्ट नंबर का था, हमने इसमें फर्स्ट नंबर, फिर आगे गए सेकेंड में आ गया हमारा ग्रेट हिमालय, इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट पीक है। K2 क्या थी, जिसको बोलते हैं कराकोरम रेंज, K2 किसके अंदर आती, कराकोरम रेंज के अंदर है, इसके अंदर हम इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट में कराकोरम रेंज थी, और जिसमें वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, दूसरे नंबर की बड़ी चोटी वर्ल्ड की, संसार की कौन सी थी, K2। फिर हमने इसके अंदर क्या किया, हम गए सेकंड में हमने क्या, हमारा ग्रेट हिमालय के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, कौन सी हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट, वो इसी के अंदर है। जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ पर है, ठीक है। और हिमालय के अंदर ही हाईएस्ट पीक है, और यहाँ पर ये जो बर्फ है, ये स्लोप है ना, ये ढलान वाले, यहाँ पर क्या है, ये ग्लेशियर है, और इन्हीं पर क्या जमी रहती है, स्नो, ये क्या, ये जो ये वाली पीक है स्नो कवर्ड है, मतलब बर्फ से ढकी हुई है, ये देखो, मानो ये स्लोप होता है ढलान, इनके ढलान पर क्या जमी होती है, बर्फ जमी होती है। अब जब ये बर्फ जमी हुई है तो क्या है कि इन्हीं से मेल्ट होती है, जब गर्मियों में ये मेल्ट होती है तो क्या होती है, यहाँ से रिवर्स बनती है, रिवर्स बनेगी तो नॉर्थ में जो नॉर्थन हिमालय, जो नॉर्थन माउंटेन है, यहाँ से कितनी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, हाँ, 4 मेन रिवर्स, द हिंदस, द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, ओके। K2 के यहां से हिंदस और इधर से बीच में आ जाता है, जहां पर पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में तो है, हिंदस गई, इसके बाद यहां पर आ जाती है गंगा, यमुना, ठीक, उसके बाद ये उपदर से असम के यहां से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आती है, 4 रिवर ओरिजिनेट होती है, गंगा रिवर गंगोत्री से, यमुना रिवर यमुनोत्री से, हमने ये रीड किया था। और इसके अंदर ये अपर पार्ट ये कर लिया, अब इसके बाद हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हमने ये किया। अब इसके साथ साथ हमने इसको है ये थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, अपर पार्ट सबसे ऊपर वाला, फिर ये मिडल वाला हो गया और फिर ये हो गया सबसे आउटर वाला, सबसे नीचे वाला, ठीक है ना। कोई भी चीज है, मान लो एक ये स्टिक है, ये है, हमने एक बार तो इसको ऐसे डिवाइड किया, अपर वाला पार्ट,
मिडल वाला एंड लोअर। अब हम इसको ऐसे करते हैं, ये ऐसे तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब हम इसको ऐसे भी डिवाइड करेंगे, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला और सबसे लोअर पार्ट, सबसे आउटर वाला, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जो हमारा नॉर्थन माउंटेन है हमने ऐसे डिवाइड किया। तो अब हम ऐसे किया है मतलब इसमें या हॉरिजॉन्टल वे में किया हमने, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हमारा मिडल वाल को वाल क्या बोलते हैं, हमारा हिमाचल, हिमाचल होता है टूरिस्ट प्लेस होते हैं जहां पर शिमला, नैनीताल, कुल्लू, मनाली, ये सब कहां पर आते हैं, हमारे मिडल हिमालय में, ठीक है। इसके बाद हम हमारा थर्ड था शिवालिक, शिवालिक रेंज है जो इसको फुट हिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुट हिल बोलते हैं। और इसी के अंदर ही कौन सी फार्मिंग की जाती है, ट्रेस फार्मिंग, कौन सी फार्मिंग की जाती है, ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग होती है बच्चों जैसे सीढ़ी होती है तो उसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत, जैसे सीढ़ी होती है वैसे खेत बनाकर और उन पर खेती की जाती है और वो ढलान पर ही होती है। क्यों, क्योंकि अगर अगर वो ऐसे मकान, ऐसे खेत नहीं बनाएंगे तो इस तरह से इनकी जो जमीन है, जो खेती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेन होती है, माउंटेन्स पर रेन होती है और जो स्नो है वो भी मेल्ट होकर रिवर बन जाती है। तो ऊपर से जब माउंटेन से पानी आएगा तो जो सॉइल है वो बह जाएगी, जो सॉइल होगी, जो मिट्टी होगी वो ढलान से बह जाएगी। तो इसीलिए वो उन पर क्या बनाते हैं, उन पर मिट्टी के बड़े बड़े, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी पर बीच में उसकी लकड़ी होती है, पहले एक बॉक्स के लिए बनाया फिर उसके बीच में उसकी लकड़ी लगा दी। तो ऐसे ही उसमें क्या बोलते हैं, ट्रेस फार्मिंग में मिट्टी लगा देते, उसको बार बार में ऐसे बॉक्स बना देते कि पानी से वो सॉइल और मिट्टी बहाकर आगे ना जाए, और बहाकर जाएगी तो क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशंट्स होते हैं ना वो सारे बहकर चले जाते हैं और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन यानी भूमि का कटाव, मिट्टी का कटाव जो बहकर चली जाती है। आपने बारिश के दिनों में देखा होगा ना कि जब बारिश आती है तो पानी तेज बहाव से जाता है और अपने साथ मिट्टी बहाकर ले जाता है, देखा होगा ना, हाँ ऐसे ही उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर शिवालिक के उधर, शिवालिक में ट्रेस फार्मिंग की जाती है। अब ये वाला सबसे लोअर पार्ट हो गया ना, आउटर पार्ट हो गया, तो यहाँ पर या माउंटेन है, ये क्या स्नो है, यहाँ से आएंगी, यहाँ से क्या रिवर्स आ रही है और माउंटेन से वाटर आ रहा है। तो जब ऊपर से पानी आता है तो क्या होता है, जब पानी आएगा, जहां पर पानी आएगा वहां पे हरियाली होगी, और जहां पे हरियाली होगी वहां पे फॉरेस्ट होंगे, ठीक है ना, फॉरेस्ट यानी जंगल होंगे। अब जहां पर जंगल होंगे, हरे भरे होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वाइल्ड लाइफ भी होगे, जंगली जानवर भी होगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें से शिवालिक वाले इसमें आ जाते हैं, इसमें है जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कहां पर है, उत्तराखंड में जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये शिवालिक है। अब इससे आगे के लिए, अब हमने एक पार्ट पढ़ा, दो पार्ट, थर्ड पार्ट पढ़ने के लिए हम आगे अपने बुक में पढ़ेंगे। अब देखो इसके अंदर देखो ध्यान से, ये पीक दिखाई दी, चोटी दिखाई दी, पीक दिखाई दे रही लग रही है ना, ये जगह सबसे ऊंची वाली क्या है, माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, ये वाली सबसे ऊंची है। देखो इनका मीटर के अकॉर्डिंग इनका मतलब जो भी है इनका मकालू ये 8,481 किलोमीटर मीटर ऊंची है, और माउंट एवरेस्ट इससे ऊंची है। अब आ जाते कंचनजंगा, ये इंडिया की है, ये इंडिया की और ये सिक्किम में है कंचनजंगा, ये भी है। अब ये देखो ऐसे करके कर्म में गया
और फिर साइड से ये कहाँ पर आ गया है, ये देखिए ये आ गया हमारा पूर्वांचल, पूर्वांचल रेंज में आ गया है, जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये यहाँ पर ये वाले हिल में आ गए। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको हम पूर्वांचल रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल रेंज मतलब पूर्व की साइड में, ईस्ट की साइड में। ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व। तो क्या इसको पूर्वांचल रेंज, पूर्वांचल रेंज, द पूर्वांचल रेंज इज आर द ईस्टर्न एक्सटेंड ऑफ हिमालय। क्या है? ईस्टर्न, सबसे जब हिमालय का सबसे ईस्टर्न पार्ट है वहां से क्या होती है रेंज, दे स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द एरिया। ये इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहां तक वहां पर फैली हुई है, ठीक है, अलोंग म्यांमार, म्यांमार के साथ साथ, दे कवर द स्टेट ऑफ असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट वो किसको, वो पूर्वांचल को कवर करते हैं, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। और इसके अंदर यहाँ पर हिल भी है, हिल, हिल्स, द गारो खासी जयंती है, नागा, मिजो एंड लुशाई, गारो खासी जयंती है, नागा, मिजो एंड लुशाई आर द मेन हिल इन दिस रेंज। इस रेंज की जो मेन हिल्स है वो कौन कौन सी है, ये है किस रेंज की, पूर्वांचल रेंज की। दिस रेंज आर हैज कोनिकल पीक, कोनिकल होती है चोटीदार, जैसे आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम की कोन वाली आइसक्रीम होती है जो, वो ऐसे कैसी होती है, ऐसे जैसे हमारी कैप होती है ना, कैप जिसको बर्थडे पर पहनते हो, हाँ वो वाली। दिस रेंज कोनिकल पीक्स, स्टेप स्लोप एंड डीप वैली। क्या है? बहुत गहरी घाटी है किसके अंदर, पूर्वांचल रेंज के अंदर। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट है, घने जंगल है। मवासन राम इन खासी हिल, खासी हिल में जो मवासन राम क्या है, एक जगह है मेघालय में जो सबसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ पर हरदम गीला रहता है, गीला कौन सा प्लेस रहेगा, जहां पर हरदम बारिश होती हो। तो क्या है, अब ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती, कहां पर होते मवासन राम, वो कहां पर, खासी हिल जो मेघालय में है, जो मेघालय में है वहां पर खासी हिल के उधर मवासन राम, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है ऑन द अर्थ। अब हम पढ़ लेते पास। पास क्या होता है बच्चों, जैसे माउंटेन है ये यहाँ पे पूरा माउंटेन है, अब इधर से इधर क्रॉस करने के, एक जगह से दूसरे स्थान, मान लो आप रूम में हो तो आप रूम से बाहर जाने के लिए क्या बनाया गया, डोर बनाया गया है ना, आप इस जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाओ। तो ऐसे ही माउंटेन का भी एक रूट होता है, एक पाथ होता है, जब टू माउंटेन्स होते हैं, जब टू माउंटेन के जो बीच का जो रास्ता, उसको क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। ए पास, पास इन द नॉर्थन माउंटेन, जो नॉर्थन माउंटेन है इसके अंदर पास कौन कौन से है। ए पास इज ए रूट और पाथ थ्रू टू माउंटेन, इट इज यूज फॉर क्रॉसिंग द माउंटेन। अब जो माउंटेन है उसको क्रॉस करने के लिए बीच में जो थोड़ा सा रास्ता बना दे, उसको क्या बोलते हैं, पास। क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं जब टू माउंटेन है, एक माउंटेन ये और एक ये, और इनके इधर इधर से इधर जाने के लिए तो एक ये रास्ता बना दिया ना, बीच का ये रास्ता, इसको क्या बोलेंगे, पास। जब भी आप क्लासरूम से बाहर जाते हो तो पास लेके जाते हो ना जाने के लिए, क्या लेते हैं, पास। तो पास होता है कि जब एक पाथ, एक रास्ता होता है जब टू माउंटेन को क्रॉस करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट है पास, कौन कौन से हम पढ़ लेते हैं, रोहतांग पास, रोहतांग पास, जोजिला पास,
बारा लाचा ला चांगला ये शांगला नाथुला शिप की ला और खारदुंग ला ये क्या है, ये पास होते हैं, ला मीन्स पास, ये पीछे किसी के पीछे ला लगाया गया ना, ला ला का मतलब होता है पास, द वर्ड ला मीन्स इज पास, अंडरलाइन कर लो इसको भी। तो स्टूडेंट्स आज आपने ये चैप्टर हमारा पढ़ा है और आप इस वीडियो को बार बार में ध्यान से देखना कि कौन सी चीज कहाँ पर बताई गई है, क्योंकि अगर आपको ये याद हो जाता है तो सोच लो कि आपको ये इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है और इसके बाद आपको आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी से रिलेट होंगे, जब आपको नॉर्थन माउंटेन का इस चीज अच्छा अच्छे से याद करके और अपनी नोटबुक पर लिखना, और ये जो मेन मेन पॉइंट है इनको बार बार में, इस वीडियो को बार बार में देखना, अपने ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।